स्वागत है हमारे चैनल आरएस फाइनल डेस्टिनेशन में। जैसा कि आपको पता है कि हम पहली क्लास लेकर आपके सामने आए हैं और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम मैथ के चैप्टर पर बात करते हैं जिसका नाम है एवरेज या औसत। वैसे औसत होता क्या है? औसत होता है राशियों का योगफल और अपॉन राशियों की संख्या। जैसे आपके पास 5 राशियां हैं और उनका अलग अलग डिजिट है, तो सबसे पहले उन डिजिट को जोड़िए और जितनी डिजिट हैं उनसे उसको डिवाइड कर दीजिए, तो उसका एवरेज आ जाएगा। अब देखिए, इसमें सबसे छोटी छोटी बातें पूछ ली जाती हैं, जैसे एन प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होता है, तो ये होता है n+1/2। या ये पूछ सकता है कि उसके वर्गों का औसत कितना होता है, तो ये होता है n+1 × 2n+1/6। या ये घनों का औसत कितना होता है, ये होता है n(n+1)² / 6। और लगातार प्रथम n सम संख्याओं का औसत जो होता है वो होता है n+1। और लगातार n तक, मतलब लगातार n पहले था, प्रथम n सम संख्याओं का औसत n+1, ये कह रहा है लगातार n तक सम संख्याओं का औसत कितना होगा, n+2/2। अब आगे बात करते हैं विषम संख्याओं का औसत। विषम संख्याओं का औसत कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे आपको अगर दिया है कि 200 और 300 के बीच विषम संख्याओं का औसत बताइए, तो इसके लिए हम ऐसे निकालते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि 100 से आगे विषम संख्या कौन सी है, वो आती है 101। उससे फिर देखते हैं 300 से पहले कौन सी विषम संख्या आती है, वो आती है 299। क्या करते हैं, उच्च सीमा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 299, और निम्न सीमा कौन सी है, 101। इन दोनों को जोड़ देते हैं और 2 से डिवाइड दे देते हैं, तो क्या आता है, विषम संख्याओं का औसत आ जाता है। कितना आया इसको जोड़ा तो हमने 400 आया, 400 को 2 से डिवाइड दिया तो 200। समझ में आया आपके? ठीक है, अब बात करते हैं, हमने इस चैप्टर को 9 प्रकार के क्वेश्चनों में बांटा है, जो कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। जैसे हम पहला क्वेश्चन लेके आते हैं, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि 20 आदमियों का औसत उम्र 25 ईयर्स है और 30 आदमियों मेंस का जो औसत उम्र है वो 20 ईयर्स है, तो पूछ सकता है कुल आदमियों की औसत उम्र क्या है। दोबारा सुनिए कि 20 आदमी हैं जिनकी औसत उम्र 25 वर्ष है और 30 आदमी हैं जिनकी औसत उम्र 25 वर्ष है, और कुल आदमियों की औसत उम्र क्या होगी। जैसा कि आपको पता है, यदि हम औसत में और टोटल में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी टोटल एज निकल के आ जाएगी। मतलब अगर हम 20 आदमियों की मल्टीप्लाई उनकी 25 जो औसत उम्र है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आदमियों की कुल एज आ जाएगी। इसी प्रकार 30 आदमियों की अगर 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इन 30 आदमियों की एज आ जाएगी, क्योंकि हमको पता है कि राशियों का योगफल, मतलब टोटल जो उनकी एज है 50 व्यक्तियों की, वो अपॉन 50, मतलब 20 × 25 + 30 × 20/50। इससे डिवाइड दिया तो ये आया 500, ये आया 600/50, दोनों को डिवाइड दिया अपॉन 22, तो उनका औसत एज कितना हो जाएगा, 22 ईयर्स। समझ में आया आपके? अब चलते हैं नेक्स्ट पे। इस नेक्स्ट में आपसे ये पूछ सकता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे आपसे पूछा कि 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 31 है, तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि 7 उन जो हमें विषम जितनी क्रमागत विषम संख्या सम संख्या दी हुई है उनका टोटल एवरेज कितना है। हमने टोटल एवरेज लिख लिया 31। उसके बाद अगर हमसे बड़ी संख्या पूछेगा तो प्लस का साइन लगाएंगे, अगर छोटी संख्या पूछेगा तो माइनस का साइन लगाएंगे। बड़ी संख्या निकालना है तो प्लस लगाया, उसके बाद देखेंगे कितनी क्रमागत संख्या है, 7, तो 7 में से माइनस 1 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, सबसे बड़ी संख्या आ जाएगा। तो 31 + 6, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया, 37। यदि हमसे पूछा जाता कि सबसे छोटी संख्या बताइए तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाते और ये कितना आ जाता, 25। समझ में आया आपके? अगर हमसे इस तरीके को, अगर ये विषम संख्या ना पूछ के इस तरीके से पूछता कि लगातार या सम संख्याओं का औसत 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या छोटी संख्या, बिल्कुल जैसे हमने विषम संख्या का सवाल सॉल्व किया था इसी तरीके सम संख्या का होगा। कितना है उनका औसत, 20 है। अगर बड़ी संख्या पूछता है तो प्लस लगाएंगे, छोटी संख्या पूछता है तो माइनस का साइन लगाएंगे। तो हमने 20 प्लस टोटल कितना संख्या पूछा है हमसे, 6, तो 6 − 1। समझ में आया आप लोगों के? तो कितना हुआ ये, 20 + 5, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 25। चलो आप आगे बात करते हैं।
आपको पता चला कि पहला टाइप किस तरीके का था, दूसरा टाइप का पता चला, अब तीसरे टाइप पे आते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टाइप से पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि एक कक्षा में 15 छात्र हैं जिनकी औसत आयु आपको दी गई होगी, और आपसे बोला जाएगा कि एक शिक्षक की आयु भी इसमें मिला दी जाए तो औसत आयु में वृद्धि या कमी हो जाती है, तो शिक्षक की आयु क्या है। तो इस तरीके सवालों को अगर हम लेंथी तरीके से सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करते समय हमें मल्टीप्लाई का यूज करना होगा। जैसे 15 की मल्टीप्लाई 18 में करेंगे, फिर ये देखा कि एक शिक्षक को भी जोड़ा गया है तो 16, और 16 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 80+220 में। तो काफी ये उलझा हुआ सवाल हो जाएगा। इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले लिखते हैं कि 15 स्टूडेंट है जिनकी औसत आयु कितना है, 18 ईयर्स। इसमें एक शिक्षक की आयु को ऐड कर लिया जाता है तो औसत आयु में कितने की वृद्धि हो जाती है, 2 की। हमने लिखा तो 20 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 15 में 2 की क्या 30 और 1 में 20 किया तो 20 कितना आ गया, और शिक्षक की एज कितनी आ गया, 50 ईयर्स। समझ में आया आप लोगों के। सवाल किस तरीके से पूछा जाएगा कि किसी कक्षा के 15 छात्रों को, या इस तरीके से पूछा जा सकता है कि एक विद्यार्थी के 7 विषयों का औसत इतना है, यदि एक सब्जेक्ट या एक विषय के अंकों को हटा दिया जाए तो उसमें इतने की कमी हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। या ऐसे पूछा जा सकता है कि 11 खिलाड़ियों के रनों का औसत इतना है, अगर उसके कैप्टन के रनों को हटा दिया जाए तो औसत इतना हो जाता है। सभी को आपको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर पूछा कि 11 खिलाड़ी हैं तो 10 खिलाड़ियों का लिखा औसत इतना, कैप्टन का लिखा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर वृद्धि है तो जोड़ दीजिए और कमी है तो उसको माइनस कर दीजिए। समझ में आया होगा आप लोगों के। अब चलते हैं टाइप 4। टाइप 4 में किस तरीके का क्वेश्चन होता है, इसमें क्या होता है, जब कोई आपके मार्क्स जोड़ता है या कोई संख्या वो या तो त्रुटिवश या भूलवश उसको या तो कम कर देता है या ज्यादा कर देता है। जैसे एक क्वेश्चन है कि 100 छात्रों का औसत अंक 40 है, एक छात्र के 72 अंक के स्थान पर त्रुटि से 27 लिख दिया गया, तो संशोधित औसत क्या है होगा। मतलब अगर वो गलती से ना लिखता तो औसत क्या होता। तो ये सवाल बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। सबसे पहले आप जो हमें 100 छात्र दिए हैं और जिनका औसत है उसकी मल्टीप्लाई कीजिएगा 100 × 40। जो अंक उसे लिखने थे वो तो प्लस कीजिएगा, और जो उसने लिख दिए उसको माइनस कर दीजिएगा और टोटल से डिवाइड कर दीजिएगा। समझ में आया आप लोगों के किस तरीके से। आपको जो मतलब जो 100 स्टूडेंट हैं जो उसका औसत है उसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो उसको अंक लिखने थे मतलब जिसके स्थान पर गलती से लिखा जो लिखना था उसको प्लस, जो गलती से लिख गया उसको माइनस करते हैं, और जो टोटल उसको मल्टीप्लाई किया तो सबको सॉल्व करने के बाद आया 45.45। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। क्वेश्चन को समझिएगा, सबसे ज्यादा जरूरी होता है किसी भी सवाल को सही से समझना। सवाल समझ में आ गया तो सॉल्व करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बस देखिए अगला सवाल क्या कहता है कि 5 वर्ष पूर्व 4 व्यक्तियों की औसत आयु 45 ईयर्स थी, एक नए व्यक्ति के शामिल होने से उन सभी की वर्तमान आयु 49 वर्ष है, तो नए व्यक्ति की औसत आयु क्या है, मतलब नए जो व्यक्ति आया है उसकी आयु क्या है। तो इस सवाल में सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा जो आपको वर्ष पूर्व दिए हैं उसको जो उनकी टोटल औसत आयु है उसमें ऐड करना होगा। जैसे इन्होंने कहा कि 5 वर्ष पूर्व 4 व्यक्तियों की औसत आयु 45 ईयर्स थी, तो इस 5 वर्ष को आप 45 ईयर्स में जोड़ देंगे, और सवाल इस तरीके से हो जाएगा कि 4 व्यक्तियों की जो एज हो गई वो 50 हो गई, उसमें एक को हमने कहा कि एक नए व्यक्ति के शामिल होने से एक व्यक्ति को शामिल किया और वर्तमान आयु कितनी 49, तो मतलब क्या हुआ -1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, -4 + 49, इन दोनों को माइनस किया तो 45 ईयर। समझ में आया आप लोगों के। इस सवाल इस तरीके से भी अगर मान लीजिए आ जाता कि 3 वर्ष पूर्व 4 व्यक्तियों की औसत आयु, तो वो 3 को हम किसमें ऐड करते, 45 में ऐड करते, जो हमें उसका औसत दिया होता उसमें ऐड करते हैं, और सवाल को जैसे पहले सवाल हमने बताया था टाइप 3 पे सेम टू सेम उसको उस तरीके से सॉल्व कर देते हैं। आपके समझ में आया होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट टाइप पे। समझिएगा क्या कहना चाहता है। ये कहता है किसी कक्षा में 13 छात्र हैं जिनका औसत वजन 40 किलोग्राम है, मतलब किसी कोई क्लास है जिसमें 13 स्टूडेंट बैठे हुए हैं और उनका टोटल जो एवरेज है वेट का वो 40 केजी है,
उसके बाद क्या हुआ, दो नए छात्र और आ गए उसमें और उनका जो औसत वजन है 44 केजी हो गया। तो आपसे पूछा है कि दो नए छात्रों का औसत वजन क्या है, बिल्कुल जैसे हमने ये किया था कि भाई इन्होंने बोला हमसे 13 का कितना है 14, दो नए स्टूडेंट आ गए तो 44 हो गया, 2 ऐड हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और सम कर दीजिए, जो आंसर आए वो उन दोनों का एवरेज होगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों के किस तरीके से पूछ सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत ज्यादा आता है ये, तो क्वेश्चन हमेशा पेपरों में आता ही है। देखिए सबसे पहले सवाल को समझिए, ये कहता है कि 11 संख्याओं का औसत 50 है, इसमें प्रथम 6 संख्याओं का औसत 49 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 51 है, तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए। इस सवाल को दो तरीके से याद रखना जरूरी होता है। यदि ये सवाल इस तरीके से होता, पहले सवाल को सॉल्व करते हैं कि 11 संख्याओं का औसत 50 है और प्रथम 6, कह रहा है पहली 6 का औसत 49 है और अंतिम 6 का 51 है, तो सबसे पहले ये देखिए जो हमें संख्या दी हुई है वो कितना है, 6 और 6 12। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो 11 संख्याओं का औसत है वो लिख लीजिए, वो कितना है 50। अब हमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें इसमें प्लस लगाना है या माइनस लगाना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि जो हम प्रथम और अंतिम संख्या जो दी है, यदि उन दोनों का सम तो स्टार्टिंग में संख्या दी हुई है उससे ज्यादा है तो प्लस, अगर कम है तो माइनस। जैसे ये क्या है 6 और 6 12 और टोटल संख्या कितनी 11 है, तो हम यहां क्या लगाएंगे, प्लस। अब देखिए एक और बात, अब क्या करेंगे, सबसे पहले देखें जो हमें दी हुई है प्रथम कितनी संख्या है 6, हमने लिख लिया 6 मल्टीप्लाई, और अब क्या करेंगे जो ये संख्या दी हुई है 6, 6 संख्याओं का औसत 49 है, ये जो दूसरा वाला जो होता है, जो उन संख्याओं का होता है पहले या अंतिम संख्याओं का औसत होता है, उसमें से माइनस करते हैं टोटल संख्याओं के औसत को। याद रखना जो टोटल का औसत है उसको उसमें से माइनस नहीं करते, माइनस करते हैं जो अंतिम और पहली संख्याओं का औसत दिया हुआ है। तो इसमें पहले देगा प्रथम 6 संख्या औसत कितना है 49, तो इस 49 में से इस 50 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा -1 प्लस। उसके बाद अब आगे चलते हैं और अंतिम 6 का औसत 51 है, तो इस 51 में से माइनस करेंगे 50 तो कितना आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई प्लस 1, मतलब 1 ही लिख लीजिए। समझ में आया आप लोगों के, 50 प्लस माइनस के 6 प्लस के 6 दोनों कट गए तो कितना औसत आया उनका, वो छठी संख्या क्या है 50। समझ में आया, दोबारा से सुनिए सवाल को, आपसे पूछेगा, अभी सवाल को देखते हैं, अब यहाँ थोड़ा चेंज कर देते हैं कि 11 संख्याओं का औसत 50 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 49 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 51 है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे टोटल कितना है औसत है, वो लिख लिया आपने 50, फिर मैंने आपसे बोला कि प्रथम 5 का कितना है 49 है, हम यहाँ 49 ना करके इसका 52 कर लेते हैं, ठीक है, प्रथम 5 का कितना है 52, तो 52 को हमने सबसे पहले लिखा 5। अच्छा अब हमें यह देखना है कि यहाँ माइनस आएगा या प्लस, तो देखिए मैंने बोला कि 5 प्रथम 5 और अंतिम 5, तो 5 और 5 10 होता है, लेकिन संख्या कितनी 11, तो इसका मतलब साइन क्या आएगा, माइनस आएगा। जब दोनों का संख्या, इन संख्याओं का प्रथम और अंतिम का अगर सम कम बैठे स्टार्टिंग वाली संख्या से तो माइनस और ज्यादा बैठे तो प्लस। उसके बाद हमने माइनस लगाया, 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1, सॉल्व कर दीजिए आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट टाइप पे, इसके बाद एक और टाइप बचेगा, उसके बाद आपका एवरेज पूरा हो जाएगा। देखिए सवाल किस तरीके से पूछा जाएगा, ध्यान दीजिए, आपसे कहा जाएगा कि 8 व्यक्ति हैं जिनके औसत वजन में 2.5 किलो की वृद्धि हो जाती है, कब होती है, जब समूह से एक व्यक्ति जिसका वजन 56 केजी है के स्थान पर एक नया व्यक्ति शामिल हो जाता है। मतलब कि 8 व्यक्ति हैं जिनका औसत वजन में कितनी की वृद्धि हो जाती है, 2.5 किलो की, और कब होती है, जब 56 किलो के स्थान पर एक नया व्यक्ति शामिल हो जाता है, तो आपको बताना है उस व्यक्ति का वजन कितना है। तो इस सवाल को आप करोगे तो बहुत ही उलझा देगा, तो सबसे पहले देखिएगा कि इसमें कितने वजन, कौन व्यक्ति कितने वजन का बाहर गया है, तो जो गया है उसका लिख लीजिए टोटल भी कितना है 56 प्लस। कितने व्यक्ति थे वो लिख लीजिए,
अब देखना जो वृद्धि और कमी हुई है उस वृद्धि और या कमी की मल्टीप्लाई करते हैं किसमें, जो स्टार्टिंग में जो व्यक्ति दिए हुए हैं। मल्टीप्लाई टू सॉल्व किया हमने 56 प्लस 8 मल्टीप्लाई 5 बाई 2 कितना आया 76। समझ में आया? अगर जो व्यक्ति गया है उसका वेट लिखते हैं प्लस, अगर वृद्धि है तो प्लस और कमी है तो माइनस, फिर देखते हैं कि टोटल व्यक्ति कितने थे उसमें मल्टीप्लाई करते हैं उस वृद्धि की या कमी की। तो आपका ये सवाल इस तरीके का सवाल सॉल्व हो जाएगा। अगर सपोज दैट एक व्यक्ति ना जाके दो व्यक्ति गए हैं तो तब भी हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, दोनों व्यक्तियों का वेट करेंगे लिखेंगे प्लस जो कितने व्यक्ति थे और जो वृद्धि या कमी हो उसकी मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व कर देंगे। समझ में आया आप लोगों के? तो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन या लास्ट क्वेश्चन या बोल सकते हैं लास्ट टाइप, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। समझिए, सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये कहता है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 17वीं पारी में 85 रन बनाए जिसके कारण उसके औसत में 3 रन की वृद्धि हो गई, तो 16वीं पारी के उसको औसत रन क्या है? तो इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है, अगर या तो ये पूछा जाता है या ये पूछा जाता है 11 संख्याओं का औसत इस टाइप का था प्रथम अंतिम का, ये पूछा जाता है, या सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला कि कक्षा में इतने स्टूडेंट थे, एक के आने से इतनी कमी हो गई, इतने की वृद्धि हो गई। चलो बात करते हैं इसी क्रिकेट खिलाड़ी के बारे में। तो देखिए, अगर इसको लेंथी तरीके से सॉल्व करेंगे तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे 16x प्लस 85 अपॉन 17 इजगल टू एक्स प्लस 3, और इसको सॉल्व करने में काफी वक्त लगेगा। वक्त ना लेते हुए सीधा सीधा सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि 17वीं पारी में इनिंग में उसके रन कितने हैं, तो उसके रन 85 है, हमने 85 लिख लिया, प्लस माइनस का साइन देंगे, उसके बाद जो वृद्धि हुई है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे जिस पारी में उसे रन बनाए हैं। यदि हमसे वो पहली पारी के औसत पूछता है तो याद रखना हम उसकी मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, जिस पारी में उसे रन बनाए हैं। तो 17वीं इनिंग में उसे रन बनाए हैं तो 17 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 51। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो 16वीं पारी में औसत था वो 34 था। अगर हमसे पूछता कि 17वीं पारी में कितना था तो इसकी 3 की मल्टीप्लाई हम किसमें करते 16 में करते, तो ये आ जाता 37। अब मैं हम आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारी सारी वीडियो पसंद आई होंगी। अगर आप लोगों को हमारी सारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसके बाद हम मिलेंगे आपको अपनी नई क्लास के साथ। गुड नाइट।